जनता मांगे जवाब। तो बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों ने पिछले 8 महीने में 600 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। नक्सली ग्रामीणों की हत्या की बजाय पुलिस मुखबरी बताते हैं। इन हत्याओं की किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है, क्योंकि नक्सली गांव वालों को डरा धमका कर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने देते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने कोई नहीं आता है, ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। नक्सलवाद से सूबा हो रहा लहूलुहान, 8 महीने में 600 ग्रामीणों की गई जान। बड़ा सवाल, नक्सलियों के हमले को रोकने में बार बार खुफिया एजेंसियां क्यों हो रही हैं नाकाम? सत्ता बंदूक से निकलती है कि सिद्धांत पर यकीन करने वाले नक्सलवादी हमेशा से देश की धरती को लहूलुहान करते आए हैं। लोकतंत्र की खुलेआम खिलाफत करने वाला ये तबका भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाकर हिंसक संघर्ष के लिए उकसाता है। बाकायदा घने जंगलों में लगने वाले ट्रेनिंग कैंपों में अत्याधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण के साथ साथ माइंड वॉश करने के सेशन भी चलते हैं। जंगलों से बाहर नक्सली उद्योगपतियों से लेवी भी वसूल करते हैं, जबकि जनताना अदालत लगाकर विरोध में खड़े होने वाले लोगों को सजा भी सुनाते हैं। यही नक्सलवाद देश के लिए एक ऐसा नासूर बन गया जिसे जड़ से खत्म करने में सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। 14 साल से छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रमन सरकार नक्सलियों के खात्मे का दावा कर रही है, लेकिन लगातार हो रहे नक्सली हमले इन दावों को फेल साबित कर रहे हैं। हर बार नक्सली हमला होता है देश के वीर जवान शहीद होते हैं, लेकिन कुछ वक्त से नक्सलियों के निशाने पर हैं गांव वाले। वो गांव वाले जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सूचना के आदान प्रदान का काम करते हैं, ऐसे गांव वालों पर नक्सली अपने मुखबिरों के जरिए नजर रखते हैं। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं जहां नक्सलियों ने ग्रामीणों की मुखबिरी के संदेह में हत्या कर दी। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर समेत बस्तर में माओवादियों ने करीब 8 महीने में 600 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा, जहां नक्सलियों ने ग्रामीणों की हत्या की वजह पुलिस की मुखबिरी बताते हैं। वहीं पुलिस इन हत्या पर कोई भी एफआईआर न होने की बात करती है। मुखबिर के नाम से हत्या कर दी गई थी और उनको ये भी जिक्र से डराया गया था कि एफआईआर नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से एक पहले कदमी करते हुए जो जिन जिन की पहचान हुई थी, जहां जहां लोगों ने किसी ग्रामीण हत्या की गई थी, उसमें पुलिस ने 100 मोटो उसमें एफआईआर दर्ज की थी। नक्सलियों ने 8 महीने में की 600 ग्रामीणों की हत्या। 2017 में बस्तर में 51 आम नागरिकों की गई जान। 2016 में नक्सलियों ने की 55 लोगों की हत्या। सुकमा अकेले में 2012 से अब तक 73 आम लोगों को मारा। 2018 में अब तक 13 ग्रामीणों की नक्सलियों ने की हत्या। खासकर नक्सली उन ग्रामीणों को अपना शिकार बनाते हैं जो किसी तरह से सुरक्षा बलों के संपर्क या फिर परिवार से रिश्ता रखते हैं। नक्सली जन अदालत लगाकर पीट पीट कर ग्रामीणों की हत्या कर देते हैं। प्रथम दृष्टया लग रहा है जिसको आपसी दुश्मनी के कारण मारा गया है, ये पता चला है कि 2013-14 चुनाव के समय में आपसी गांव में लड़ाई हुआ था। अभी उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 17 अप्रैल को दंतेवाड़ा के मोलसनार गांव में नक्सलियों ने ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया, जब नक्सलियों ने सरिता भास्कर के पिता कुम्मा भास्कर की हत्या घर में ही कर दी। हत्या के बाद शव के पास धमकी भरे पर्चे भी छोड़े। इस अनहोनी के बाद एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी को अब खेतों में काम करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस इसे नक्सली हत्या मानने से भी इनकार कर रही है। पुलिस को अभी तो प्रूफ नहीं मिल पाया है। यहाँ पे पुलिस 2 बार आए थे, तो अभी
पापा मरने के मतलब मरने के पीछे किसका हाथ है अभी तो खुलासा नहीं हो पाया है। मैं चाहती हूँ कि खुलासा हो जाए। हत्या किए थे वहाँ माओवादी पर्चे भी मिले थे। उस मामले में केस रजिस्टर है भानसे थाने में, वो हर एंगल से विवेचना कर रहे हैं कौन हो सकता है। कुल मिलाकर लाल आतंक का दायरा छत्तीसगढ़ में नासूर बन गया। आए दिन कोहराम मचा रहे नक्सलियों ने अघोषित आपातकाल के हालात पैदा कर दिए। ना पुलिस की गोली का असर हो रहा और ना ही हुक्मरानों की गोली का, ना ही नक्सलवाद से निपटने के लिए अपनाए जा रहे तमाम हथकंडे असरदार साबित हो रहे हैं। तो नक्सली संगठनों की किसी भी गतिविधि का पता लगाने में देश प्रदेश के इंटेलिजेंस एजेंसियां भी नाकाम साबित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ से संतोष तिवारी, पंकज भदौरिया, शिवा यादव के साथ रश्मि मिश्रा की रिपोर्ट। तो नक्सलियों को कुचलने के लिए दिया जा रहा है फंड, हो रहा है बेकार। लाल आतंक पर लगाम लगाने की कोशिश में फेल हो रही सरकार और